Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मानवाधिकारों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने भारत में मानवाधिकारों के कथित हनन को लेकर सवाल पूछा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में मानवाधिकारों के मुद्दों को लेकर भारत की नजर रहती है। उन्होंने ये भी कहा अमेरिका के साथ 2+2 बैठक में मानवाधिकार का मुद्दा शामिल नहीं था। जयशंकर ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अमेरिका सहित अन्य जगहों पर मानवाधिकारों की स्थिति पर भी अपनी नजर रखते हैं। इन देशों में हम मानवाधिकार के मुद्दे तब उठाते हैं जब वो हमारे समुदाय से जुड़े होते हैं, और वास्तव में कल हमारे पास एक ऐसा ही मामला था। जयशंकर का ये बयान तब आया जब 11 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को असहज करने वाला बयान दे दिया था। ब्लिंकन ने जब ये बयान दिया था उस समय एस जयशंकर उनके साथ मौजूद थे। ब्लिंकन ने कहा था, अमेरिका भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर नजर रख रहा है। भारत में ये मामले बढ़ते हुए देखे गए हैं। हमने सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन में बढ़ोतरी देखी है। भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने इस तरह के बयान को एक फटकार के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि ब्लिंकन के बयान के बाद राजनाथ और जयशंकर दोनों ने ही तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन 13 अप्रैल को जब यह मुद्दा एक बार फिर उठा तो विदेश मंत्री जयशंकर सारे सवालों के जवाब देते गए। जयशंकर ने साफ कहा कि ये मीटिंग सिर्फ राजनीतिक और सैन्य मामलों को लेकर थी, और जब भी मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा होगी भारत अपनी राय रखने में पीछे नहीं रहेगा। विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि भारत में एक लॉबी और वोट बैंक इस तरह के मुद्दों को आगे लेकर आते हैं। जयशंकर ने कहा, देखिए, लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी उनके विचारों और हितों के बारे में विचार रखने के हकदार हैं, और उस लॉबी और वोट बैंक के बारे में भी जो इसे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जब भी कोई चर्चा होती है हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। जयशंकर ने यह भी कहा कि जब ब्लिंकन भारत आए थे तब भी ये मुद्दा उठा था। उन्होंने कहा, अगर आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो मैं आपको बता दूं कि तब हमने इस मुद्दे पर बातचीत भी की थी और अपनी राय भी दी थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।